झेलम में सात मुहर्रम अल हराम का जुलूस बाकिर शाह सज्जाद के घर से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरिया में इख्तिताम पजीर होगा। आजादारान जौक दर जौक इकट्ठे हो रहे हैं। जुलूस रात 8 बजे बरामद होगा, जो रात 12 बजे इमाम बारगाह जाफरिया में इख्तिताम पजीर होगा। बाबर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशीन महल्ला नंबर 2 झेलम में। यहाँ पे बाकर शाह, सज्जाद शाह और इकबाल शाह के घर से जो है 7 मुहर्रम अल हराम का जुलूस बरामद होगा, जो कि रात 8:30 बजे यहाँ से जुलूस जो बरामद होगा और अपनी कदीमी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरिया मशीन महल्ला नंबर 2 पे अख्तिताम पजीर होगा। यहाँ से जो है जुलूस अरसा दराज से जो है 7वीं मुहर्रम अल हराम का निकाला जाता है। आज़ादार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और उसके साथ साथ हज़रत इमाम आली मकाम की जो फलसफा करबला वो बयान कर रहे हैं। इसके साथ जब ये जुलूस यहाँ से निकलेगा अपने रवायती रास्तों से होता हुआ, मुख्तलिफ अज़ादार जो है वो सीना को भी करेंगे और उसके साथ हज़रत इमाम आली मकाम को पुरसा पेश करेंगे। जुलूस के रास्तों को मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा किया गया और इसके साथ साथ जो है जुलूस के इख्तिताम पे लंगर हुसैनी का भी अहतमाम किया गया है। ये अरसा दराज से यहाँ से जुलूस जो बरामद होता है, जो कि इमाम बारगाह जाफरिया मशीन महल्ला नंबर 2 पे इख्तिताम पजीर होता है और इसके लिए जो है आज़ादार इकट्ठे हो रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ यहाँ पर जो हज़रत इमाम आली मकाम की जो है फलसफा करबला को बयान भी किया जा रहा है। जुलूस के इंतजाम इंतहाई अच्छे किए गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आज़ादार जो है वो जोक दर जोक बाबर हुसैन तफसीलात से आगाह करें।